हेलो, इस वीडियो में हम होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो फॉन्ट ग्रुप को जानने से पहले हम यहाँ पे कोई फाइल ओपन करेंगे पावर पॉइंट की। यहाँ पे गए और स्लाइड पे गए, ये स्लाइडें यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आने के बाद ये सेकंड स्लाइड पे हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप को समझेंगे। तो इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पे जाएंगे और इसको लाइन ब्राउज़र, ये टाइप्स ऑफ ब्राउज़र में ये लाइन ब्राउज़र है, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे बी पे जाएंगे, बोल्ड, ये बोल्ड कमांड है हमारी। यहाँ पे जाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, इट मींस ये डार्क में दिखाई देगा हमें। तो इसको हम कीबोर्ड के जरिए भी बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल बी प्रेस करके ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, तो सेकंड कमांड अप्लाई करने के लिए हम इसको सेलेक्ट करेंगे ग्राफिकल ब्राउज़र और आई पे क्लिक करेंगे। ये इटैलिक होता है, ये जो होगा ये इटैलिक में आ जाएगा। ये देखो, ये जितना भी है ये इटैलिक में आ जाएगा। तो ये इटैलिक में करने के लिए हम कीबोर्ड की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके भी इसको कर सकते हैं। इसके बाद है अगली कमांड हमारे पास अंडरलाइन। तो ये हमने इसको सेलेक्ट किया, जावा इनेबल्ड ब्राउज़र यहाँ पे सेलेक्ट किया। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम यू पे जाएंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसको अंडरलाइन अगर हमने शॉर्टकट की कमांड से करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करेंगे तो ये अंडरलाइन में आ जाएगा। इसके बाद अगला है हमारे पास स्ट्राइक थ्रो। अगर हम चाहते हैं कि ये लाइन ब्राउज़र इसको बी से काटना है तो हम यहाँ पे स्ट्राइक थ्रो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से बी से कट जाएगा। इसके बाद अगली कमांड जो है ये हमारी कैरेक्टर स्पेसिंग का है। जैसे ये हमारा टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये करेक्टर स्पेसिंग, अगर ये हमारे करेक्टर हैं इनके बीच में स्पेस देना है, ये करेक्टर है इनके बीच में अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो हम इसको स्पेस दे सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद ये जो है नॉर्मल में है। अगर इसको लूज़ करना है तो यहाँ पे लूज़ पे क्लिक करेंगे, ये प्रीव्यू शो करेगा ये लूज़ में हो रहा है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो करेक्टर है ये लूज़ में आ जाएंगे। तो फिर इसको यहाँ पे गए, वेरी लूज़ करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वेरी लूज़ होगा, ये प्रीव्यू शो कर रहा है ये। इसके बाद ये हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, टाइट करना है तो ये टाइट हो जाएगा, वेरी टाइट करना है तो ये देखो प्रीव्यू शो कर रहा है वेरी टाइट हो रहा है। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे हम लेंगे तो उस हिसाब से ये करेक्टर प्रीव्यू शो कर रहा है, ये उस हिसाब से बन के आ जाएंगे। तो हम ये इसको क्या रखते हैं, नॉर्मल पे रखते हैं ये। तो ये जो हमारा करेक्टर स्पेसिंग है ये नॉर्मल में आ जाएगा। इसके बाद अगला चेंज केस है। चेंज केस में हम क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस या कैपिटल ईच वर्ड या टॉगल में कर सकते हैं। जैसे यह हमारे पास जो है ये अपर केस में है, अगर हम इसको लोअर केस में लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, चेंज केस पे यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद लोअर केस यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सारा लोअर केस में हो जाएगा। अगर हम इसी को सेंटेंस केस में रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस केस में ये पहला कैपिटल में आएगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे सेंटेंस केस पे क्लिक किया तो पहला करेक्टर जो है ये कैपिटल में आएगा, तो ये सेंटेंस केस में आ जाएगा पूरा। इसके बाद अगर हम इसको, ये अगला ऑप्शन है अपर केस, तो अपर केस पे किया ये सारे कैपिटल लेटर्स में हो जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास कैपिटल ईच वर्ड, हर एक वर्ड को कैपिटल में करना है। तो ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया तो ये इसका जो कैपिटल
कैपिटल ईच वर्ड में हो जाएगा ये। देखो टाइप ये कैपिटल में आ गया, ऑफ ये ओ कैपिटल में आ गया, ब्राउजर्स बी कैपिटल में आ गया, तो कैपिटल ईच वर्ड हो जाएगा ये। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास टॉगल केस। टॉगल केस में जो हमारा पहला करेक्टर है वो स्मॉल में आएगा, बाकी सारे कैपिटल में आएंगे। देखो तो ये टॉगल केस है। अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा अपर केस में रखेंगे, ये अपर केस है। तो इससे आगे जो है वो है हमारा फॉन्ट कलर। अगर हम इसको टाइप्स ऑफ ब्राउज़र को, ये जो हमने लिखा हुआ है ये टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, इसको कलर में करना है तो हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फॉन्ट कलर पे जाएंगे। फॉन्ट कलर पे जाने के बाद कौन सा कलर चाहिए इसके लिए, वो कलर यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे ये कलर चाहिए, इस ग्रीन कलर में ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस कमांड को भी हम यूज़ कर सकते हैं और अपने ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद इसको टाइप्स ऑफ ब्राउज़र इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो अगला है फॉन्ट, फॉन्ट हम ये जो लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ ब्राउज़र इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखो, जिसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा वो फॉन्ट यहाँ पे आता जाएगा। ये फॉन्ट इसमें, ये देखो जिसके ऊपर मैं अपना पॉइंटर ले जा रहा हूँ वो फॉन्ट यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये देखो ये सारे यहाँ पे फॉन्ट हैं, जिस भी स्टाइल में चाहिए वो फॉन्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो सारे जो भी करना चाहते हैं ये वो से ही है। तो जो भी हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। ये नीचे ये जितने भी हैं ये फॉन्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज करो हमने ये फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया तो इस फॉन्ट में ये आ जाएगा। इसके बाद ये जो टाइप्स ऑफ ब्राउज़र, ये फॉन्ट हमने सिलेक्ट किया, इसका साइज़ हम कम करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे और ये है फॉन्ट साइज़, यहाँ पे जाएंगे और इसका साइज़ हम यहाँ से कम कर देंगे। ये कुछ जो भी जितना भी चाहिए 44, तो 44 हमने यहाँ पे रखा, ये साइज़ इसका कम हो जाएगा। इसके बाद अगला है ये हमारे पास इंक्रीज फॉन्ट साइज़। अगर इंक्रीज़ करना है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हमने ये फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ करना है तो अगले पे क्लिक करना है, अगली कमांड के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो इस यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारा ये फॉन्ट साइज़ कम होता जाएगा, ये कम हो रहा है। तो इस प्रकार हम फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं इसके ज़रिए, और डिक्रीज़ करना है तो इस कमांड का यूज़ करना है। तो इससे क्या होगा, फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि ये जितनी भी हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग की हुई है इसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी फॉर्मेटिंग है ये क्लियर हो जाएगी। नीचे ये भी फॉर्मेटिंग हमने क्लिक करनी है, लाइन ब्राउज़र, ग्राफिकल ब्राउज़र, जावा इनेबल्ड ब्राउज़र, इसकी फॉर्मेटिंग भी क्लियर करनी है। तो हम क्या करेंगे, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा फॉन्ट ग्रुप है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।